तिरंगा है और तिरंगा के हम आंकड़े दिखा रहे हैं। टारगेट इनका जो भी हो, एक भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हरघरतिरंगा.com पर। हरघरतिरंगा.com पर रजिस्ट्री के साथ साथ लोग घरों के बाहर झंडा लगा रहे हैं जगह जगह। ये राष्ट्रीय उत्सव है, इसमें आरएसएस को खींचकर मतलब सरकार का विरोध ऐसा लगता है, करते करते आप लोग हर घर तिरंगा अभियान का भी विरोध कर रहे हैं। और क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने? जय विश्व तिरंगा झंडा रहे हमारा, समूचे विश्व में भारत के ध्वज की सुभागी अखंडता की, भारत की प्रगति समृद्धि और उत्थान की गाथाएं गाई जाती रही है सनातन समय से। और प्रधानमंत्री जी से आज मैं आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री जी प्रत्येक घर हिंदुस्तान का आपके आदेश का पालन करेगा। ध्वज हम लगाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको भी देशवासियों के लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि जो बीते 8 वर्षों में प्रत्येक घर में बेरोजगारी और महंगाई के झंडे गाड़ दिए गए, प्रधानमंत्री जी आप लाल किले की प्राचीर से जब संबोधन दें तो इस बात का उद्घोष करिएगा कि प्रत्येक घर झंडा लगाए। और आज मैं भी संकल्प लेता हूं कि प्रत्येक वो घर जो महंगाई से बर्बाद हो गया है उसके घर का सिलेंडर में 400 रुपए कर दूंगा, जो झंडा पहले कांग्रेस की सरकार में गाड़ा गया था। 60 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल कर दूंगा मैं, 60 और 70 रुपए खाने का दाल और 100 रुपए तार और 200 चंद धन्ना सेठ मित्रों को पकड़ा दी गई है उस ध्वजा को छीन कर फिर से उन किसानों के हाथ में दे दूंगा जिनकी आमदनी हमने 27 रुपए कर दी। प्रधानमंत्री जी मैं आपसे संकल्प चाहता हूँ और यह भी संकल्प चाहता हूँ कि आप आतंकवादी तारिक अहमद मीर जिसको भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा दिया गया था, वो तालिब हुसैन जो पाकिस्तान से हथियार लाकर आतंकियों को दे रहा था, जो आपकी राजनीतिक दल का झंडा पकड़े हुआ था, और वो सैफुल्ला फारूक जिसको आपने टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया, प्रधानमंत्री जी ये संकल्प लीजिएगा कि उनके हाथ में भी भारत का ध्वज पकड़ाएंगे, किसी राजनीतिक दल का ध्वज सत्ता की भूख के लिए नहीं पकड़ाएंगे। आर्टिकल 370 का जिक्र किया तो महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया, दो निशान और दो विधान वाला जो प्रधानमंत्री के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद का था उसको भी उस पर भी आपको प्रकाश डालना था। और ये बात सही है अंजना जी कि आज हिंदुस्तान की जो विभागीय अखंडता है, जहां पर चीन घुस कर बैठा है, वो दौलत बेग गोल्डी के नीचे चाहे 10 और 13 जंक्शन हो, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है, जो उस जिसको खतरा आज पैदा हो गया है, वहां पर हमारा ध्वज हर हाल में फहरना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का वो गांव जहां चीन आकर बस गया और अपनी पूरी की पूरी बसाहट कर ली, वो चिकन नेक जहां पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया भारत के हिस्से पर, वहां पर भी हमारा ध्वज फहराया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी आपको इस बात का अधिकार नहीं, तो आप इस जो अमृत महोत्सव है हम सब लोग सामूहिकता से उसके साथ हैं, मगर इन संकल्पों को तो प्रधानमंत्री लेना ही पड़ेगा। आर्टिकल 370 एक आखिरी बात, आर्टिकल 370 देश को जानना बेहद जरूरी है। इन लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था सत्ता की भूख मिटाने के लिए, इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है, पीएम ने चीन के साथ तिरंगे का सौदा किया, पीएम को चीन की घुसपैठ कैसे दिखेगी? पीएम पहले चीन को लाल आंख दिखाते थे, लेकिन आज चीन पर नतमस्तक रहते हैं। पीएम ने चीन के साथ तिरंगे का सौदा किया है, यह आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा जी, राहुल गांधी का यह आरोप। अरे अंजना जी, इनको अपने घरों पे तिरंगा लगाने क्या बोल दिया, आप देखिए कैसे बौखला गए, कमाल के लोग हैं ये लोग। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि आइए हर घर तिरंगा अभियान बनाएं, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हर कोई अपने अपने घरों पे तिरंगा लगाए, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सबके लिए। वहां राहुल गांधी बोल रहे हैं सौदा कर लिया, यहां उनके प्रवक्ता कैसे बौखलाए हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनका हुआ क्या है। ये खून की दलाली याद है ना, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने खून की दलाली की है, फिर जनता ने राहुल गांधी का क्या किया था आपने देखा है, आज तिरंगा लगाने बोल दिया है तो बोल रहे चीन के साथ सौदा कर दिया, कैसे कैसे?
आप अपने घर पे तिरंगा लगाएंगे, इससे चीन के साथ सौदा हो गया। राहुल गांधी जी आप इटली का फ्लैग लगाइए, छोड़ दीजिए, आपको अगर लग रहा है कि आप अपने घर पे अगर तिरंगा लगाने से बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको तिरंगा नहीं लगाना, आप इटली का फ्लैग लगा लो भैया, आप भी तुम भी ये भाई जी इसको भी कोई इटली का फ्लैग, आप भी इटली का फ्लैग लगाइए भैया, नहीं आप दोनों इटली का फ्लैग लगाइए, जवाब लूंगी नीचे करनी पड़ेगी सर, नहीं नहीं एक साथ दो लोग नहीं बोलेंगे, आप दोनों गुस्सा मत करिए, में एक साथ दो लोग नहीं बोलेंगे, एक एक करके सर, आपके बीच में किसी ने शांति से सुना ना, बात पूरी कीजिए, समझिए, देखिए देखिए अंजना जी मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, मतलब क्या हो गया, देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए, 75 वर्ष पूर्ण हो रहा है आजादी के, हर घर में उत्सव का माहौल होना चाहिए, इतना बोल दिया तो आप राहुल गांधी की बौखलाहट को देखिए, सौदा कर लिया चीन को देश, अरे काहे को चीन के साथ सौदा किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया तो खून की दलाली कर लिया, यहां पर आर्मी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अच्छा काम किया तो वो सड़क का गुंडा है, ये कांग्रेस पार्टी मुझे तो समझ में नहीं आता है, सौदा किसने किया था, 2008 में मां बेटे जाकर एमओयू चुपके चुपके साइन कर रहे थे कि हम जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रिश्ता रखेंगे और जो सारे डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे, बीच में नहीं चिल्लाना है दुबे जी, दुबे जी प्लीज सर प्लीज, दुबे जी शांति से चिल्लाइए मत, शांति अंजना जी, ये 2008 में मां बेटे दोनों की तस्वीर दिखाइए प्लीज, ये दोनों ने जाके एमओयू साइन किया था ना चीन में, दोनों जाके सी जिनपिंग को बीच में खड़ा करके कागज में हस्ताक्षर कर रहे थे कि हाँ जो भी डॉक्यूमेंट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये वही पार्टी है ना, मैं जवाब लूंगी अभय जी, आवाज नीचे कर दीजिए अभय जी, मैं जवाब लूंगी आपसे, मैं जवाब लूंगी, मैं आपको बता रही हूँ सर, प्लीज प्लीज दो लोग मत बोलिए, ये दर्शकों का वक्त बर्बाद करने के बराबर है, पूरी कीजिए अंजना जी, आप याद करिए जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था तो चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ कौन पकड़ा गया था, पूरा का पूरा गांधी परिवार उस टेंट के नीचे था, और पहले जब भारतीय जनता पार्टी और हमसे पहले मीडिया ने कहा कि उसके नीचे पूरी गांधी परिवार है, तो इन्होंने रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, गलत बात नहीं है, तो आप लोगों ने मीडिया हाउस ने वो फोटो ट्वीट कर दिया था कि सारी गांधी फैमिली छुपी हुई थी टेंट के नीचे, तो बोला हाँ हाँ गए होंगे, पर्सनल काम था, क्या पर्सनल काम था, जब इंडिया और चीन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था तो क्या पर्सनल काम था आपको चाइनीज टेंट के अंदर, देखिए किस प्रकार ये, मैं आपको बताता हूं, ये माँ बेटे जो हैं ये सत्ता में रहने के लिए अगर सौदा भी करना पड़े ना हिंदुस्तान का तो ये सौदा करते हैं, हम बिल्कुल अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे, आपको नहीं फहराना इटली का झंडा फहराइए, हमको यहाँ पे आकर